here on the day of Yoga Day, 21st June 2019. And I'm thankful to Lalit Kala for inviting me for this. It's a very beautiful experience to come here and paint with the youngsters and with the co-artist. So it is actually nice to come and do a workshop like this. Although it is just one day workshop, and I do work in very detail, but in generally. But here I have tried to do just simple forms with roller, and the different textures I have produced in this technique. Actually, I've been experimenting myself, and this is one of my another experiment of doing the work using roller. And I like to use more of whites and silver. I actually like to work on peaceful environment and on peace. And here in this painting, as you can see, that it is more of depicting unity, where everybody comes together and work with the in unity and in peace. So that's how I like to work with. So my colors are also very subdued, and I use in like monochromatic color scheme more or less here. So I enjoy doing the work here. I enjoy the workshop very much. Thank you so much. मैं बुला भट्टाचार्य दिल्ली बेस्ड आर्टिस्ट और मैं यहाँ पे आज आई हूँ ललित कला एकेडमी में. ललित कला में इंडिया इंटरनेशनल योगा डे के लिए सेलिब्रेशन हो रहा है, मनाया जा रहा है. उसमें पेंटिंग वर्कशॉप भी चल रहा है, तो उसी के पार्ट में उसी में पार्टिसिपेट करने के लिए मैं अभी यहाँ पे हूँ. एक ह्यूमन बींग जो एक इनर पीस के लिए सर्च करता है अपना माइंड में, अपनी माइंड को इनर पीस के लिए सर्च करता है. मेरा मेन थीम वही है जिसमें योगा भी आता है. योगा उसको मदद करता है इनर पीस को ढूंढने के लिए. और इनर पीस मीन्स एक बोथ माइंड बॉडी की एक बैलेंस करके, एंड बाहर के जो एंग्जाइटी, बाहर के जो टेंशन है, उसको आप कैसे उससे निकल के अपना मतलब एक बैलेंस माइंड को और बॉडी को एक बैलेंस पोजीशन में रखना, यही मेरा थीम है. ज्योतिरंजन पाणिग्रही फ्रॉम दिल्ली. बेसिकली आई एम फ्रॉम उड़ीसा. आई लिविंग लास्ट 25 इयर्स इन दिल्ली. तो ललित कला एकेडमी इन्वाइट किया आज जो इंटरनेशनल योगा डे में. तो सब्जेक्ट हमको दिए थे योगा के ऊपर कुछ काम करने के लिए. तो मेरा पेंटिंग मैंने ओपन स्काई दिखाया, फ्लाइंग काइट्स दिखाया. योगा करने के टाइम में जो बैकग्राउंड हम जनरल फॉर्म लेते हैं, बट योगा करने के टाइम जो बैकग्राउंड से जो फीलिंग्स है उसको मैंने आज क्रिएशन क्रिएट करके मैं अपना पेंटिंग में दिखाया. मैंने ललित कला एकेडमी की तरफ से ये वर्कशॉप या स्टूडियो सेटअप किया है. मॉर्निंग में योगा हुआ था यहाँ पे, बहुत सारे लोग थे जो ललित कला ने ऑर्गेनाइज किया है. एंड इट इज़ अ वेरी गुड जेस्चर फ्रॉम ललित कला साइड टू ऑर्गेनाइज दिस वेरी सक्सेसफुल योगा डे, जिसमें काफ़ी लोग भी थे, हम लोग भी थे. और ये इसी दिन वर्कशॉप रखा कि लोग योगा को बेस करके अपना काम, पेंटिंग. काफ़ी आर्टिस्ट काम कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ स्टूडेंट्स भी हैं. मेरा नाम तेजेंद्र है और आज जैसे कि योग दिवस है, इंटरनेशनल योग दिवस, और इसके लिए बच्चों के साथ सीनियर आर्टिस्ट को लेकर के इन्होंने एक बड़ी अच्छी ललित कला ने इनिशिएटिव लिया है.
वर्कशॉप का और बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो नेचर के साथ, प्रकृति के साथ एक कैसे होना है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो उस कॉन्सेप्ट को लेते हुए जो योग आपकी सोल को उस यूनिवर्स के जो एक्चुअल ट्रुथ के साथ जो उसकी लिंकेज करवानी है, उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के पेंटिंग किया है। Hey, this is Sanskriti Avasthi from South Delhi Polytechnic. I'm here in Lalit Kala on an organized event on Yoga Day. And here I'm painting about yoga, yantra and tantra. Here my painting is all about yoga. Here it is trying to depict like how when we meditate, we try to connect from the higher power. And as we can see, the lotus in the upper head depicts the a nirvana stage where we attain a kind of feeling of satisfaction. And the triangular forms which we can see in the paintings are depicting the yantras and tantras which we can found in yoga. My name is Meenakshi. I'm a College of Art ki second year ki student. Today I've come to a painting workshop whose theme is yoga, tantra and mantra. मैंने अपनी पेंटिंग में 7 चक्रस दिखाए हैं जो एनर्जी का एक सोर्स है हमारे लिए, और योगा हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं इसमें जैसे योगा का मैंने पोज दिखा, मैंने मॉर्निंग का एक टाइम दिखाया कि मॉर्निंग टाइम इज़ द बेस्ट टाइम फॉर योगा, सो योगा पोज इन द मॉर्निंग टाइम एंड हेयर आई एम मेकिंग द मंडाला डिज़ाइन, सो इट्स गिव द अडोरेबल लुक माई पेंटिंग। थैंक यू। जब चित्र बनता है तभी वो बहुत आनंद देता है। कोई भी जब डांस करता है उसको डांस मैंने किया बहुत आनंद आता है, लेकिन डांस तो करना पड़ता है तभी आनंद आता है ना। वाओ, इसका और एक काम होता है मालूम है? हाँ, उसका और एक काम होता है, उसको भगते हैं।